Assalamu alaikum guys, as you're watching my YouTube channel MF. It's a Toyota Crown 2016 model. This is Japanese import. Yeah, what a khoobsurat car. You can say Mercedes and BMW Mercedes in E-class. If you go to Audi, it compares with A5. And Crown has given its logo on every side. You can tell the car that I'm a Crown Toyota. It's a Toyota Crown. चलते हैं आप गाड़ी को अब आपको बताता हूं गाड़ी में फीचर्स वगैरह क्या हैं यार गाड़ी की फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रंट लुक चेक कर सकते हैं अमेजिंग ये क्राउन का साइन बना है ये क्रोम चेक करें क्राउन की तरह बना हुआ है बिकॉज़ गाड़ी का नाम ही क्राउन है हर चीज आपको इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं ये चेक करें भाई क्या लुक है इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं इसमें हैलोजन हमारे पास बल्ब जा देते हैं इंडिकेटर के लिए और डे टाइम रनिंग लाइट्स आ जाती वो भी मैं आपको बाद में चेक करता हूं नीचे आते हैं नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर दिए हुए गाड़ी के अंदर ये आप चेक करें और नीचे हमारे पास एलईडी बम्पर लाइट्स दिए हुए हैं गाड़ी के फ्रंट में सिर्फ हमारे पास ये क्राउन सा क्रोम दिख जाता है इसकी बॉर्डरिंग इस्तेमाल की है बाकी हमारे पास गाड़ी में फुल्ली ब्लैक कोई फ्रंट पे और की चीज क्राउन में नहीं दी हुई चलते हैं गाड़ी की रिम की तरफ इसमें पियानो ब्लैक कलर के खूबसूरत रिम दिए हुए हैं 18 इंच के रिम दिए हुए हैं और लो प्रोफाइल टाइल्स दिए हुए हैं इसके अंदर अमेजिंग लग रही है इसकी पियानो ब्लैक या क्राउन बीच में लगा बहुत अच्छी लुक आ रही है इट्स अ हाइब्रिड वेरिएंट चलते हैं बैक पे इसमें हमारे पास कीलेस गाड़ी का एंट्री दी हुई है इसके अलावा हमारे पास क्राउन का यहाँ पे भी साइन दिया हुआ है गाड़ी के अंदर इट्स अ हाइब्रिड वेरियंट टोयोटा क्राउन इसकी बैक लाइट्स या इसमें हमारे पास ज़्यादा एलईडीज़ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ बट बैक लाइट इसकी प्यारी लगती है ये नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगती बैक पे भी पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं और जैसे मैं फ्रंट पे हमारे पास क्राउन का दिया हुआ था यहाँ पे भी हमारे पास क्राउन का इन्होंने दिया हुआ है शेप बहुत प्यारी लगती है चलते हैं इसकी बैक पे इसकी फ्रंट आई मीन टू से जी हमारे पास कीज़ आ जाती है इसकी नॉर्मल क्राउन का लोगो बना जैसे टोयोटा का इधर आ जाएगा क्राउन का बना और लॉक अनलॉक और ट्रंक ओपनर चलते हैं गाड़ी को अनलॉक ये कीलेस एंट्री है पहले तो हम इसको लॉक करेंगे गाड़ी को चाबी जाएगी मेरी पॉकेट में अब हम करेंगे इसको अनलॉक इसमें सेंसर लगा हुआ है आप चेक करें इसमें अनलॉक हो गई है गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बात करता हूँ गाड़ी में यह खूबसूरत इंटीरियर दिया हुआ है इसमें मेहरून कलर का लेदर दिया हुआ विद सॉफ्ट प्लास्टिक लिटिल बिट फील दी हुई गाड़ी के अंदर आपको उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट प्लास्टिक लेदर की फील दी हुई गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग लुक है गाड़ी में हमारे पास इसके अंदर 8-way इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सीट्स प्लस 2-way लंबर स्पोर्ट गाड़ी के अंदर दी हुई है आउटस्टैंडिंग आपको लुक है हमारे पास ऑल द पावर ऑटो विंडोज दी हुई है गाड़ी के अंदर और लॉक एंड लॉक का बटन दिया है इसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं दिया और ये चीज आप देख रहे हैं ये पूछ रहे होंगे यहाँ पे एसी वेंट लगा हुआ है ये एसी वेंट यहाँ से जाता है तो यहाँ से एयर बाहर फेंकता है इसके लिए एसी हमारे पास यहाँ पे फोग ना जमा हो इसलिए चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में बात करते हैं गाड़ी के वाओ अमेजिंग गाड़ी में जैसे बाहर क्राउन की फील थी ना वैसे इंटीरियर में फील है बहुत प्यारी फील आ रही है इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत पसंद आया है इसमें हमारे पास स्टिच टाइप लेदर दिया हुआ है बट इट्स नॉट अ स्टिच इसमें हॉर्न दिया हुआ है यहाँ पे चलते हैं भाई अब नई गाड़ियाँ दे रही हैं अब नई गाड़ियाँ क्या दे रही हैं एसी के लिए टच सिस्टम दे रही इन्होंने क्राउन वालों ने पहले ही दिया हुआ है जरा इसका इग्निशन आपको चेक करवाता हूँ ये चेक करें इसमें हमारे पास मेमोरी स्टीयरिंग दिया हुआ है इसका मीटर ऑन हुआ है चेक करें ये मीटर ऑन हो गया गाड़ी के अंदर उसके अलावा हमारे पास इसमें वॉल्यूम हम यहाँ से कम करते हैं गाड़ी का हर चीज हाइब्रिड वेरियंट है फुली इलेक्ट्रिक उसके अलावा हमारे पास इसमें एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं यह मैं आपको बाद में बताता हूँ गाड़ी बंद करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें मेमोरी स्टीयरिंग दिया हुआ है गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं इंटीरियर के अंदर हमारे पास सॉफ्ट प्लास्टिक की फील दी हुई है गाड़ी के अंदर यहाँ पर लेदर जैसी फील दी सॉफ्ट प्लास्टिक की उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी सॉफ्ट प्लास्टिक जैसी फील दी हुई है स्टीयरिंग व्हील में बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के बटन आ जाते हैं यहाँ पर वॉइस कमांड यहाँ पर कॉल उठाने वगैरह और यहाँ पर क्रूज सिस्टम टोयोटा अपना हमेशा क्रूज यहाँ पर देता है साइड पर और ये हमारे पास रिडार का ऑप्शन बंद करने के लिए चलते हैं गाड़ी के कंट्रोल की तरफ यहाँ पे हमारे पास
पूरी एक स्क्रीन आती है जहाँ से हम अपनी मल्टीमीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हर चीज़ आती है। उसके अलावा यहाँ से हम अपना वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने ट्यून्स स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है यार, आउटस्टैंडिंग। एक जैपनीज गाड़ी में मुझे बहुत ये चीज़ पसंद है यार, हर चीज़ दे देते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। ऑटो पावर विंडोज दिए हैं, इसमें बैक मिरर दिया हुआ है ऑटो विंडो। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस लाइट वाला वेंटिलेटेड मिरर दिया हुआ है और यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर दिए हैं। एक चीज़ की कमी मुझे महसूस होती है जैपनीज गाड़ियों में, सनरूफ की। सनरूफ नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। हमारे पास हर चीज़ दी हुई है, एमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाने के लिए बटन भी दिया हुआ है इन्होंने, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे चलते हैं अब। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें वुडन फील, ये चीज़ आप चेक करें, वुडन फील दिया हुआ पियानो कलर में। ये हम अपना इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास आगे इसका स्टोरी दी हुई, बहुत कम स्टोरेज है इसमें, आप कॉइन्स वगैरह पैसे वगैरह रख सकते हैं, इवन के वॉलेट नहीं आ सकता इसमें। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गेयर नॉब दिया हुआ है जिसकी फील नॉर्मल है। यहाँ पे हम जाते हैं ग्लव बॉक्स में यार ये चीज़ ख़त्म, ये चीज़ नहीं अच्छी, ग्लव बॉक्स सॉफ्ट ओपनर नहीं दिया हुआ ग्लव बॉक्स में। यहाँ पे हमारे पास आर्मरेस्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास कूल बॉक्स भी अवेलेबल है। इसमें हमारे पास एसी वेंट, इन्होंने इसमें एसी वेंट नहीं दिया हुआ, इसमें कूल बॉक्स नहीं, लेकिन फील बहुत प्यारी है इसकी, मज़े की फील। गाड़ी के कम्फर्ट की बात करूँ, कम्फर्ट इसमें हमारे पास रीजनेबल कंफर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है, इस जगह पे लेदर का इस्तेमाल किया हुआ गाड़ी के अंदर। मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। कुशनिंग की बात करूँ गाड़ी की, कुशनिंग यार हार्ड है, इतनी सॉफ्ट नहीं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स दी हुई हैं बट हार्ड कुशनिंग, इतनी सॉफ्ट कुशनिंग नहीं है। मैं आप कह लें बस ग्रिप है, बकेट सीट्स दी हैं बट आई एम नॉट सिटिंग सॉफ्ट सॉफ्ट, ये नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइड मिरर कंट्रोल्स के बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास मीटर कंट्रोल करने के लिए बटन दिए हैं। इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कप होल्डर्स दिए हुए हैं लेकिन ये फिलहाल ओपन नहीं हो रहा, देखेंगे बाद में। ये हमारे पास इधर फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, और ये इंजन, इंजन आपको चेक करवाता हूँ गाड़ी का। इंजन बताते हैं, यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्राउन का लोगो दिया हुआ है, लेकिन ग्लोइंग लोगो नहीं, लेकिन लोगो दिया हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है। करते हैं गाड़ी को बंद, करते हैं गाड़ी के इंजन की बात। ये इंजन खोलते हैं हम, इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स दिए हुए इंजन के अंदर, ये चेक करें, इजी टू ओपन है। इंजन की बात करते हैं, गाड़ी के अंदर 2000 सीसी का हाइब्रिड इंजन दिया हुआ है जिसकी फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, विद इन सिटी ये आपको 14 से 15 की एवरेज दे देती है। और इसके अंदर 232 हॉर्स पावर विथ 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, इट्स आउटस्टैंडिंग पावर इज फॉर दिस कार। हाइब्रिड इंजन है, आपकी फ्यूल एवरेज शहर के अंदर आपको ये 14-15 की एवरेज दे देती है विद एक्सीलेंट पावर, लॉन्ग पे आपको इससे ज़्यादा भी कर सकती है। 2000 सीसी का इंजन प्लस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, यार मैं जैपनीज को सल्यूट करता हूँ, हाइब्रिड इंजन में टेक्नोलॉजी उन्होंने गाड़ी में दी होती है, वेल डन। इसमें हमारे पास हीटिंग प्रूफिंग शीट्स दी हुई गाड़ी के अंदर और फुली कवर्ड, एक अच्छी लुक आ रही है आपको, लग्जरी लुक जैसी फील मिल रही है गाड़ी के अंदर, ये नहीं आपको फील नहीं कोई आ रही। चलते हैं गाड़ी की बोर्ड दिखाता हूँ आपको, बैक सीटिंग का बताता हूँ कितनी क्योंकि बेसिकली इसमें ड्राइवर से फ्रंट पे चला रहे होते हैं, बैक में देखना था बैक में कैसा लग्जरी फील आता है आपको। बैक में बैठते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ नाउ मैं आई एम टोटली चेंज्ड नाउ। जैसे मैं बात कर रहा था फ्रंट में बहुत हार्ड कुशनिंग है, उतनी सॉफ्ट बैक पे कुशनिंग दी हुई इन्होंने, ये देखो मेरे फिंगर्स, ये बैक पे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीटें दी हुई हैं इन्होंने। यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक का दिया हुआ है और मेरी 5'11" हाइट है, 5'10", तो इट्स अ डिसेंट स्पेस फॉर मी। बैक पे फुल सीट है और ये हमारे पास इन्होंने थोड़ी सी दी हुई स्पेस। इधर बात करते हैं, इधर हमारे पास पियानो ब्लैक में वुडन फील दी हुई, ज़रा अच्छी लग रही है। इसके अलावा ऑटो पावर विंडोज और यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है, फुल महरून लेदर। यहाँ पे हमारे पास लेदर का इस्तेमाल किया है, कहीं भी चीप क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है, कहीं भी चीप फील नहीं आ रही। गाड़ी के इंटीरियर में बात करते हैं, बैक पे यार अच्छा लग रहा है लेकिन मिड पे कोई नहीं बैठ सकता। इसमें ह्यूज साइज का, यहाँ पे मेरा ह्यूज साइज का हम्प दिया हुआ गाड़ी के अंदर, ये चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे पास एसी वेंट आ गए, बैक पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते बैक पे। इधर की बात करते हैं, इधर हमारे पास इन्होंने आर्मरेस्ट दे दिया है विद कप होल्डर, बहुत छोटा कप होल्डर दिया बट दिया हुआ, चलो ठीक है कुछ नहीं। गाड़ी के दो लोग आराम से इधर बैठ सकते हैं, तीसरे बंदे के लिए जगह बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार,
मुझे बहुत पसंद आई है। अगर चार बंदों के लिए गाड़ी है ना, आउटस्टैंडिंग। आई लव दिस लुक, दिस वन एंड दैट वन, अमेजिंग। चलते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की बात करते हैं। बूट स्पेस में आपको दिखाता हूँ, बूट स्पेस में हमारे पास इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि हम इसे रिमोट से ओपन कर सकते हैं। ये चेक कीजिएगा, फुल ओपन नहीं हुआ, हाइड्रोलिक शॉक्स नहीं लगे हुए, इट्स मीन तो हमें हाथ से ज़रा पुश करना पड़ेगा। गाड़ी की फील हाइड्रोलिक शॉक्स दिए हुए हैं, गाड़ी में फील बहुत हार्ड है। मैंने बूट ओपन किया तो एक हार्ड फील है। डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस दिया हुआ है, एक ह्यूज साइज़ का बैग आ जाएगा, दो स्कूल बैग साइकिलों पर आ जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते गाड़ी के अंदर। ये हमारे पास स्पेयर व्हील भी दिया हुआ है विद स्टील व्हील, अलॉय रिम नहीं दिया हुआ हमारे पास गाड़ी के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बूट कवर करने के लिए शीट भी लगी हुई है, हाइड्रोलिक शॉक्स दिए हुए हैं साथ, लेकिन अच्छी है। डिसेंट स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है आपके पास इसमें, लेकिन इसकी बैक सीटें बहुत कम्फर्टेबल थी। आप चेक करें इसमें फील। दिस इज़ द व्यू ऑफ टोयोटा क्राउन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी है।